Hello everybody, YouTube, how are you? Thank you so much for subscribing. आपके कमेंट्स आए बहुत अच्छे पिछले व्लॉग से, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. ओके भाइयों, आज का टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है कि मुझे एक्चुअली में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई लीन कैसे रहते हो 12 महीने, आपका राज क्या है, आप स्टीरॉयड लगाते हो, आप ये फलाना ढिमका. नहीं यार, एक्चुअली मैं ना सच बात बताने जा रहा हूँ आपको, 100% सच दिल से कि राज है क्या. ओके, राज कुछ नहीं है, मैं आप ही की तरह एक स्ट्रगलर हूँ. रोज़ फेल होता हूँ, देखता हूँ शीशे में, खुश होता हूँ, कभी नहीं होता हूँ, सेटिस्फाई होता हूँ, कभी 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 लगता है यार नहीं बात बन नहीं रही है. जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोगों की तरह ही हूँ. यस, मैं लीन कैसे रह पाता हूँ 12 महीने, इसका क्योंकि मेरा कंपटीशन प्रेप और जो नॉर्मल मेरा आज का जो कंडीशन है बॉडी का, एज यू कैन सी ऑलमोस्ट सेम है. 2-3% बॉडी फैट अप है मेरा, 11% होगा शायद या 10% होगा. जब मैंने कम्पीट किया था तो ये था 7%. बहुत श्रेड हो गया था मैं, थोड़ा सा उसमें ऑफकोर्स मैंने फैट बर्नर यूज़ किया था, एल-कार्निटाइन यूज़ किया था. और चलो ये एक अलग टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है आप लीन कैसे रह सकते हो 12 महीने. ओके, मैं आपको बताता हूँ कि एक अपनी डाइट में, एक अपने शेड्यूल में, एक अपने एवरीडे डेली, अपने वीकली शेड्यूल में रीफीड डे ज़रूर ऐड करें. रीफीड डेज का मतलब होता है जिस दिन आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करोगे. रीफीड डेज़ क्या होते हैं, क्योंकि आप बहुत देर से डाइटिंग कर रहे हो और आपका लेप्टिन लेवल्स होता है वो लो हो जाता है, और उसकी वजह से आपको ज़्यादा भूख लगती है, आपको क्रेविंग्स होती हैं, और वो आपको ब्रेन कह रहा है बार बार कि हमें फूड चाहिए, हमें कार्ब्स चाहिए, और आपका मेटाबॉलिज्म भी शट डाउन हो जाता है, और आपका जो बॉडी है ना वो मशीन जो है वो काम करनी बंद कर जाती है. मैं क्या करता हूँ, हफ्ते में एक दिन रीफीड डे ज़रूर ऐड करता हूँ. मेरी डाइट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ आपसे, रीफीड डे वाले दिन मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनिए, यू कैन नोट इट डाउन, आप लिख सकते हो इसको. आई चूज़ वन डे, पर्टिकुलर वन डे, लाइक लेग्स चूज़ कर ली या बैक चूज़ कर ली, चेस्ट चूज़ कर ली, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करता हूँ, और आई मेक श्योर कि मैं उस दिन 60% to 70% कैलोरीज अपनी कार्ब्स से लूँ. यस, 60% to 70% ऑफ माई कैलोरीज कम्स फ्रॉम कार्ब सोर्सेज. कार्ब सोर्सेज में क्या यूज़ करता हूँ, ओट्स, ब्राउन राइस, समटाइम्स आई ईट होल व्हीट ब्रेड. और करना क्या है रीफीड डे वाले दिन, आपको कट कौन सी चीज़ करनी है, प्रोटीन इंटेक रह गया आपका 30%, आपको कट करना है फैट्स, ग्रीसी फूड. ये आपको जिस दिन आपने कार्ब्स अप करे होंगे उस दिन आपको ग्रीसी फूड कट डाउन करना है, बिल्कुल कट डाउन करना है. मैक्सिमम 10% फैट लीजिए डाइट में, 5-10%, बाकी सारे कार्ब्स खाइए, और आप अगले दिन नोटिस करेंगे कि आपकी जो स्किन है वो पेपर थिन हो जाएगी. लाइक आई डोंट नो अगर आप देख सकते हो, पेपर थिन स्किन हो जाएगी, लाइक हेयर. तो मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि पेपर थिन स्किन पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए पहले आपको बहुत डाइट करनी पड़ेगी, आपको एक सर्टेन बॉडी फैट परसेंटेज पे आना पड़ेगा, लाइक 10% to 12%, तभी आप ये रीफिट डे अपनी डाइट में ऐड करिए, और आप नोटिस करेंगे जो आपकी स्किन है वो बिल्कुल साफ लग जाएगी, आपके मसल्स के बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, आपके जो स्किन है उसको बोलते हैं पेपर थिन स्किन. और इसलिए मैंने ये टॉपिक आज चूज़ किया क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि पेपर थिन स्किन का राज क्या है, आप 12 महीने लीन कैसे रहते हैं. तो मैं भाई कार्ब्स के साथ ही खेलता हूँ हमेशा, मुझे कार्ब्स के साथ प्ले करना अच्छा लगता है. मैं बार बार बोलता हूँ कार्ब्स को खेलिए, कार्ब के साथ प्ले करिए, प्रोटीन को वहीं पर रखिए, फैट्स अप एंड डाउन करिए थोड़े बहुत, जिस दिन रीफीड है, रीफीड डे है उस दिन कट कर दीजिए. और कार्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, कार्ब्स आर रियली इंपॉर्टेंट, कार्ब्स के साथ प्ले करिए. आई होप ये आपको समझ में आया होगा, रीफीड डे कैसे ऐड करना है. चूज़ वन डे, लेग्स, बैक या चेस्ट, कोई भी एक दिन चूज़ करिए हफ्ते में आपकी चॉइस का, उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स खाइए. 60 to 70% ऑफ योर कैलरीज शुड कम फ्रॉम कार्ब्स.
ओके, फैट्स डाउन, होल एग्स कट, आलमंड्स कट, पीनट बटर कट, और सिर्फ आप अपनी जो 30% की जो कैलोरीज हमें प्रोटीन से लीजिए, वो हो सकता है चिकन, एग वाइट्स, लो फैट कॉटेज चीज़ एंड जो भी आपके प्रोटीन सोर्सेज हैं उसमें फैट्स कम हो, एंड आप देखिए नेक्स्ट दिन, अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा जिस दिन आप रिफिट करोगे। ये उन लोगों के लिए है जो अभी 10-12% बॉडी फैट परसेंटेज पे हैं। आप देखिए आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी अगले दिन, स्किन बहुत टाइट हो जाएगी, पेपर थिन स्किन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी व्लॉग लेके जल्दी आ रहा हूँ मैं, ट्रैवल वाला।